हम जो सरकार चुनते हैं वो वोट के द्वारा ही चुनी जाती है। समाज में जो सोच है वो इस तरह की है वोट देने के लिए, क्या राजा क्या रानी, को हो नृप हमें कहानी। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम वोट ना करके महंगाई को न्योता दे रहे हैं। कभी सब्जी के दाम, कभी सिलेंडर के दाम, कभी बिजली के बिल, कभी हाउस टैक्स, कभी वाटर टैक्स, दिनों दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। और मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बहुत ही परेशान हूं। आज आप देख रहे हैं कि समाज में जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमारे यहाँ जो पहले एक समय था कि गरीब जनता नमक के साथ रोटी खा लेती थी, लेकिन आज वो रोटी और नमक के लिए भी परेशान हो रही है। तो वोट ना देने के ही कारण ऐसी समस्याएं आती जा रही हैं। इसी मानसिकता से लोग जीते हैं और इसी वजह से 40% वोटिंग होती है। वोट तो हम इसलिए नहीं देते कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम वोट किसको दें, क्योंकि जो भी बनेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा तो वो हमारे ऊपर आ जाएगी कि आपने वोट दिया था। एक सांप नाथ है, एक बिच्छू नाथ है, तो हम वोट किसको करें? तो जो आपके बीच में सही और समझदार व्यक्ति आता है उसको हम वोट करें और उसको चुन करके लाएं। वोट इसलिए नहीं देते हैं कि सरकार जो है गरीबों के लिए जरा सा भी नहीं ध्यान देती है और सिर्फ पैसों वालों के लिए सोचा करते हैं, इसलिए वोट नहीं देते। सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से और कुछ मीडिया के प्रभाव से भी वोट पर परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा नहीं है। 60% वोट पिछली बार विधानसभा में हुआ है, और भी जगह जहां पर चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अलावा भी 70% तक पंजाब में वोट प्रतिशत गया है। लेकिन लोग वोट क्यों नहीं देते हैं, समस्या ये होती है कि उनको लगता है कि हम वोट दें ना दें देश में कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। वोट इसलिए नहीं देते हैं कि जितने भी नेता लोग हैं ये सब हमारी नज़र में भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचारियों को हम वोट नहीं दे सकते। आई थिंक दैट एवरी गवर्नमेंट इज समवेयर और द अदर करप्ट, वी हैव अ लिटिल करप्ट एलिमेंट्स हियर एंड देयर, बट मोर और लेस द गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन गुड इकोनॉमिक डिसीजंस। And though there is a steep price rise and there is a lot of inflation, but I think there could have been a lot more scope had there been a little less corrupt elements in the government. कुछ निराशावादी लोग हैं, क्या करना, ऐसे डकैत आएंगे चले जाएंगे ये सोच के, और वो जो हैं कुछ कर्मेंस की कमी रहती है, इंटीरियर इलाकों से लोग नहीं जा पाते, वोट नहीं कर पाते, बुढ़े हैं, बीमार हैं। Voting as to why we don't go to vote, frankly that's a perception that has been cultivated. बोला था ना। हाँ भैया जी, कितना हुआ? 24 रुपए भैया। 24 रुपए? कितनी महंगी हो गई है चाय यार, 3 रुपए से सीधा डबल, 6 रुपए हो गई भाई। और पेट्रोल के दाम 2 साल में 47 रुपए से बढ़कर 73 रुपए हो गए हैं। चाय की तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं होने वाला भाई इस देश का। सरकार को अपना पेट भरने से फुर्सत मिले तब वो आम आदमी के बारे में सोचे ना, कुछ नहीं होगा भाई। इतनी ही दिक्कत है ना, तो सिस्टम में आके सिस्टम को बदलो ना। और अगर सिस्टम में नहीं आ सकते तो अपनी राइट टू वोट की पावर का इस्तेमाल करो। और वैसे भी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के पास जो कि 18 साल या उससे ऊपर है, उसे हक है वोट देने का और एक सही सरकार चुनने का। कुछ नहीं बदलेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, और वैसे भी एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। बस यही, इसी सोच ने इस देश का ये हाल किया है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह ईच एंड एवरी वोट मैटर्स एंड काउंट्स। भाई मैंने तो इस बार अपना वोट दिया था, और तुम्हें पता है 2012 में ऑलमोस्ट 60% वोटिंग हुई थी, बाकी के वोटर्स तो पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं थे। और न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है अभी तक। चल चल मेरे गांधी, क्लास के लिए लेट हो जाएगी। चल चल। आज हमारे युवा और महिलाएं ये दोनों इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो वोट देने निकल रहे हैं और अपने अधिकार को समझ रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की जनता वोट करने अवश्य निकलेगी। Yes, I'll vote. मैं वोट करूंगा। Yes, I'll vote. हाँ मैं वोट करूंगा। हाँ मैं वोट करूंगा। हाँ मैं वोट करूंगा। हाँ मैं वोट करूंगी।
Thank you.